पत्थरबाजी की गई या फिर लाठी डंडे से उनके घरों के ऊपर हमला किया गया, क्या कहेंगे कि ये तो है, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है दोनों समुदायों के को लड़ाने के बीच? बिल्कुल दंगे कराने वाली पार्टी है, दंगई पार्टी है, मैं तो ये कहूंगा देशद्रोही पार्टी है। और ये देशद्रोह से बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है? आप बताओ सोनावर ने क्या कर दिया? सोनावर तो बेचारे दिल्ली भी नहीं गए। अगर सोना वालों के घर पे हमला करवाते हैं इससे बड़ा दुखदाई और क्या हो सकता है? मर गया फिर तो प्रशासन, मर गई सरकार फिर तो ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी है। लेकिन लोग जवाब दे रहे हैं। अभी आप देखिए इन्होंने तोड़ने की कोशिश की और हरियाणा से पूरे का पूरा हरियाणा और चढ़ाया वापिस, रात को ही चल पड़े लोग और उल्टा पड़ गया। तो अब क्या रणनीति रहने वाली है आपकी, क्योंकि पीएम साहब ने कहा है कि आप सामने आए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं? चर्चा से हम कभी इनकार नहीं करते हैं, चर्चा के लिए तो जब बुलाएंगे हम जाएंगे। लेकिन ये चर्चा करने के हालात हैं क्या? ऐसे हमले करवाने ये चर्चा करने के हालात हैं क्या? तो देश को गुमराह करने के। देखो हम बात के लिए बुला रहे हैं, दूसरी तरफ डंडे मरवा रहे हैं। ये तो कोई तरीका ही नहीं। रणनीति क्या रहने वाली है अब आपकी आगे आने वाले दिनों की, क्योंकि अभी फिलहाल तो कोई बातचीत भी नहीं है, क्या न्योता भी नहीं है सरकार की तरफ से आपके पास? देखिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, आंदोलन जारी रहेगा, ऐसे तो हम घर कोर्ट के नहीं जाएंगे। ठीक है, कल आपने एक बयान दिया था, उसमें आपने बताया था कि हमारे कुछ किसान आंदोलन के किसान आए हैं वो गायब हुए हैं, क्या पता चला है कि इतने किसान गायब हुए? और नहीं कुछ नहीं पता चला, अभी तो बहुत फोन आ रहे हैं, हमने एक नंबर दिया था उस नंबर पे बहुत फोन आ रहे हैं, सैकड़ों लोग गायब हैं जिनका हमें ये नहीं पता वो है कहाँ, उन पर मुकदमा दर्ज किया है नहीं किया, उठाए हैं मार दिए हैं जिंदे हैं, उनका कुछ नहीं पता हमें। क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश किसी की हो? और इससे हम सरकार से एक मांग करें कि वो एक लिस्ट जारी करें कि उनके कब्जे में कौन कौन आदमी है और वो कहाँ कहाँ का है और किस केस में अंदर है, वो लिस्ट जारी करें ताकि सबको पता चल जाए कि मेरा आदमी कहाँ है। चरुणी साहब, मैं अमित नेहरा, मैं सीनियर रिपोर्टर हूँ इंडिया न्यूज़ में, आपके साथ मैंने स्टेज भी शेयर की, तो मैं यहाँ पे NCR मीडिया क्लब का प्रेजिडेंट हूँ। तो एक हमारी तरफ से भी सवाल है आपसे कि हमारी बिरादरी का एक दीप पूनिया वो निष्पक्ष रूप से रिपोर्टिंग कर रहा था, कैमरे में कैद कर रहा था, इंफॉर्मेशन दे रहा था, पुलिस उसको उठा के ले गई, अनेक जो नॉन अवेलेबल धाराओं में केस दर्ज हुए उसमें। तो भारतीय किसान यूनियन अपनी तरफ से उसके लिए क्या काम कर रही है उसके रिलीफ के लिए? भाई साहब आप बता रहे हैं अभी ये केस दर्ज हुआ, हमें अभी तक नहीं पता, ये तो पता लगा था कि रात उसको उठा के ले गए हैं जी। और हम जो है हर तरह से जैसे भी पत्रकार भाई कहें कि हम उनके साथ में खड़ेंगे। तो देखिए जो अंबानी और अडानी का मीडिया है वो तो हमारी बात रखता नहीं है। देखिए और जो चटनी साहब बात मीडिया के रखने की या नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एक राज उसके एक राज, मैं जहाँ बोल रहा हूँ जो भाई लोकल के पत्रकार हैं और छोटे चैनल चला रहे हैं उनके साथ, एक के साथ नहीं है ये, एक को तो उठा के ले गए, कईयों को धमकियां मिल रही है। धर्मेंद्र को और मनदीप पूनिया को दो को लेके गए थे, धर्मेंद्र को छोड़ दिया गया था, उसको डर गया बेचारा। लेकिन आपका संगठन मनदीप पूनिया के लिए क्या करें, क्योंकि असल में पत्रकार, अगर आपने जो माना है कि कुछ पत्रकार आपके पक्ष में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ आपके खिलाफ भी कर रहे हैं, अगर पत्रकार ही डर गए, ये मैं ये कह बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या क्या होगी कि जब कोई कई पत्रकारों को धमकी आ रही है, कई पत्रकारों की रिपोर्टिंग बंद कराई जा रही है, कईयों पे मुकदमे ऐसे जैसे उठा के ले गए। और आप जो भी कहोगे ये आपने फैसला करना है, जो पत्रकार संगठन है आपका उन्होंने फैसला करना है, हमारे लिए तो आदेश करिए, हमने आपकी क्या मदद करनी, जो आप कहोगे वही करेंगे। पहले तो आप लीगल टीम भेजिए उनके पास, जहाँ जो कंसर्न करना है आपको करना है, क्योंकि देखिए अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं रहे भाई साहब, देखिए मैं तो अनजान आदमी इस बारे में कि उनको क्या नोटिस जा सकता है, लेकिन मैं आपको वकील उपलब्ध करा सकता हूँ, आप जो नोटिस देना चाहे हम फ्री केस लड़ेंगे जी। उस पत्रकार का केस तो फ्री लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उसकी तो कोई बात ही नहीं है जी। और वो हमें बता दीजिए कहाँ का, वो हम तो फ्री लड़ेंगे, वो वकील हम दे देंगे करके। और उनके खिलाफ जो नोटिस देना है मैं आपको वकील दे देता हूँ, आप जो नोटिस दवाना चाहे वो वकील काम करेगा, आपको टेलीफोन पर ही बात करनी है। दूसरा निवेदन ये है कि वो इकलौता सदस्य है घर में कमाने वाला, उसके फादर की डेथ हो चुकी है, घर में मां विधवा है,
तो अगर उसकी आर्थिक सहायता हो जाए, क्योंकि एक मॉडल बनता है, लोग पत्रकार करो, कोई बात नहीं, अगर कोई पत्रकार करो ना, ये लोग कोई ऐसा है, हम तो करेंगे, अगर कोई ऐसी देखो हम तो करेंगे, कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसी दिक्कत आई हम तो करेंगे, अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है लंबे समय तक आती है तो हम वो भी कर देंगे, आप बाद में कर लेना, हमें सलाह बाद में देना, हाँ वो भी, चलो कोई बात, अगर कोई नहीं, अगर कोई ऐसी समस्या आएगी, कोई लंबे टाइम तक रह जाता है, कोई एक सवाल था हमारा, जैसे दिल्ली में उस दिन जो घटना हुई उसको आप क्या मानते हैं भाई साहब? एक तो बात ये है कि मैं बेनती ये करूंगा कि थोड़ा सा जल्दी मेरे को छुट्टी दे दें, और दूसरा जो दिल्ली में घटना हुई वो बीजेपी द्वारा प्रायोजित थी, और जिसने ये काम किया उसका फोटो अमित शाह से, उसकी फोटो मोदी जी से पकड़ी गई है, वो आदमी सन्नी देओल की कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज है, सन्नी देओल की जगह वो काम कर रहा है, सन्नी देओल ये कह के गया है कि भैया मैं तो यहाँ रहता नहीं, ये काम करेगा वो आदमी, ये काम उसने किया है और दंगा भड़काने के लिए किया, ये बीजेपी की साजिश है। ये जो क्राउड जो दिल्ली में जो प्रतिबंध के बाद कुछ इलाकों में गया, वो कौन सा लोग थे जो के वो आपके संगठन से थे कि नहीं थे? जी द्वारा जो प्रतिबंधित इलाके में जो गए जहाँ उनको नहीं जाना था, वो कौन लोग थे? ऐसा वो तो बीजेपी की एक और चाल थी, हमें तो हमारा तो बैरियर करते से चलने का प्रोग्राम था 10 बजे का, और 10 बजे भी बैरियर नहीं खोला, और उसके पहले एक टीम आगे बैठी है जो बीजेपी ने बिठाई हुई है, वो वहां से चल पड़े 8 बजे, और ये लोग जो वहां पे दीप सिद्धू वगैरह थे, ये उनकी अगवानी कर रहे थे, अब जैसे जैसे अगले चल पड़े तो बाकी तो उनके पीछे ही जाएंगे ना, तो ये लोग लोगों को मिसगाइड करके ले गए, लोगों को मिसगाइड करके ले गए, हाँ, और जो अगुवाई कर रहे थे वो बीजेपी के ही लोग, यही लोग तो थे ना, आगे ये सवेरे 8 बजे लग लिया, आगे हमें क्या पता कि 8 बजे चलेंगे, हमने हमारे टाइम 10 बजे का था चलने का। अच्छा सर, सिंधु ने ये कहा है कि हम पोल खोल देंगे तो किसानों को जगह नहीं बचेगी, भागते फिरेंगे, सर इस पर क्या कहना है? भाई साहब थोड़ा छोटा कर लो, जो पोल वो खोल सकते हैं वो खोल ले सारी, अगर दीप सिद्धू के पास कोई पोल खोलने का सौदा है ना, तो फिर वो छुपा क्यों रहा है, ब्लैकमेल करना चाहता है क्या? अगर उसके पास कोई पोल खोलने का है तो खोल लेना, बताए ना सारी दुनिया को, सारी दुनिया को बताना चाहिए, अगर वो सारी दुनिया को नहीं बताता, वो कहीं और अंदर से मैला है, फिर वो ब्लैकमेल कर रह गया, बताना चाहिए उसको। ये सत्ता और सरकार का षड्यंत्र है, और सत्ता और सरकार षड्यंत्र, थोड़ा पानी देखना, आंदोलन को तोड़ना चाहती है, लेकिन अब आम जनता ये समझ चुकी है कि ये जो जन आंदोलन है, ये कानून बनाए हैं, ये आम जनता के खिलाफ है, गरीब आदमी के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है, मजदूर के खिलाफ है, और अब ये जन आंदोलन बन चुका है, और किसानों के हौसले इस सत्ता की जो षड्यंत्र है इससे टूटने वाले नहीं है, वो मजबूत हुए हैं, और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। ले भाई, लीजिए निकल रहे हो क्या? चाय लेके जा रहा हूँ, सभी साथी चाय पी लो, चाय पी लो भाई, सभी साथी चाय पी लो, यहाँ से।